नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। आज के सेशन में हमारे जो ट्रेनिंग इंजीनियर्स हैं उन लोगों ने 15 डेज का एस्टिमेशन कंप्लीट कर लिया है और वो क्या कंप्लीट किए इन्हीं चीज़ों के बारे में पूरा प्रेजेंटेशन देने आ रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हम अपने ट्रेनिंग इंजीनियर्स का। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिगेन एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम इंद्र सिल कॉलेज इन 2017। सो हमने ये 1 अक्टूबर से ये सिविल गुरुजी का बैंच ज्वाइन किया है, जो आज एस्टिमेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज का प्रेजेंटेशन टॉपिक है कॉलम के लिए हम शटरिंग और कंक्रीटिंग कैसे करते हैं सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के लिए। तो मैं आज शुरू करता हूँ। फर्स्ट हमने देखना है कि कॉलम कितनी है। पहले हम कॉलम को देखेंगे। पहले हमारा इंडेक्स होगा, पहले हमारे यहाँ पे होगा डिस्क्रिप्शन में होगा कॉलम्स जो हो गए C1 और C2 हो गए, और उसके बाद कितनी कॉलम है वो पहले देखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे नंबर लगाएंगे कितनी कॉलम है, उसके बाद उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, और यहाँ पे हमारी टोटल क्वांटिटी होगी। टोटल क्वांटिटी ये कॉलम का टाइटल है, कॉलम का कंक्रीट फ्रॉम सब स्ट्रक्चर। अगर हम ड्राइंग में देखें, हमारी C1 कॉलम है जो हम देख सकते हैं ड्राइंग में। C1 कॉलम है 20, अगर हमें गिने, ये C1 है, C2 है, जैसे C1 है, C2 है यहाँ पे, तो ये सारी कॉलम हम गिने तो C1 निकलेगी हमारी 20 निकलेगी और C2 निकलेगी 4। फिर हमें देखना है उसकी लेंथ कितनी है, जो हमें ड्राइंग में दिया गया होगा, और यहाँ पे दिया है 250 mm, अगर हम उसको मीटर में कन्वर्ट करके 0.25 होगा। और उसके बाद हम देखेंगे उसकी विड्थ 0.4। अगर हम देखें कि ये कौन सा कंक्रीटिंग कर रहा है, अगर हम सबस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो हम कहाँ पे देखेंगे, हम देखेंगे कि वो उसकी लेंथ कितनी है सबस्ट्रक्चर में कॉलम की। तो वहाँ पे हमने देखा कि कॉलम की जो है वो लेंथ है 0.9 सबस्ट्रक्चर पार्ट के लिए, यहाँ पे हम लगा गए 0.9 उसकी हाइट है। इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा टोटल क्वान्टिटी। ऐसे ही हम C2 कॉलम करेंगे, और C2 कॉलम के लिए हमारे नंबर से 4, वैसे ही उसकी लेंथ आएगी 0.25, 0.4, और उसकी हाइट मिल जाएगी हमें 0.9। ऐसे ही हमें टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी, और ऐसे ही हम उसकी अब करने वाले हैं कॉलम की शटरिंग, सब स्ट्रक्चर पार्ट की शटरिंग। यहाँ पे भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पे लेंथ में फ़र्क होगा। यहाँ पे होगा C1 कॉलम, यहाँ पे होगा C2 कॉलम, यहाँ पे नंबर्स में हम लगा के सेम ही 20 है, 4 है, यहाँ पे हमारी लेंथ होगी, विड्थ होगी, हाइट है, और यहाँ पे हमारी टोटल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे लेंथ का क्या होगा, शटरिंग में क्या होता है, हम चारों तरफ से उसको कंक्रीट अंदर पोर हो जाए, इसलिए चारों तरफ से हम उसको शटरिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए हमें नंबर ऑफ जो लेंथ है उसका प्लस कर देने का, जैसे कि यहाँ पे हमें 0.25 है और ये विड्थ है, तो उनका चारों का प्लस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 0.25 प्लस 0.4, ऐसे 0.25 प्लस 0.4, ऐसे ही होगा लेंथ। अब विड्थ नहीं लेंगे हम उसकी, उसकी लेंगे हाइट, ऐसे यहाँ पे सेम होगा, और यहाँ पे हाइट होगी। अब यहाँ पे हाइट क्या होगी, अब यहाँ प्लिंथ लेवल पे नहीं है, सॉरी यहाँ पे प्लिंथ लेवल ही है, अब यहाँ पे भी हाइट सेम होगी, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी ऐसे हमें। तो यह हमारा पार्ट हुआ सबस्ट्रक्चर पार्ट का, जहाँ पे हमने हाइट ली 0.9 मीटर, और ऐसे यहाँ पे लेंथ का सम हो गया, सब सब लेंथ का सम कर देंगे, यहाँ पे हमें टोटल क्वांटिटी मिल गई। थैंक यू एवरीवन। हेलो इंजीनियर्स, माय नेम इज गोविंद भोई फ्रॉम राजस्थान, माय ग्रेजुएशन 2020 राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा। आज हम मैंने 1 अक्टूबर से सिविल गुरुजी बैच ज्वाइन किया है, और मैंने यहाँ तक 13 दिनों में मैंने एस्टिमेशन कंप्लीट किया है, और उसी के बारे में एक टॉपिक के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं। पहले हम सबसे पहले हमको साइट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमको साइट क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो पहले हमको प्लान दिया हुआ होता है, उस हिसाब से हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यह हमारा प्लान हो गया। इस प्लान के हिसाब से हम जब साइट क्लीनिंग की जाती है तो 1 मीटर ज़्यादा लेके करते हैं। चारों तरफ से प्लान की चारों तरफ से 1 मीटर ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि जब भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसका मटेरियल जो भी होगा उसको मतलब रखने के लिए स्पेस बना रहे और कंस्ट्रक्शन काम आराम से किया जा सके। इसके बाद हम करेंगे सेंटर लाइन लेआउट, प्लान के हिसाब से देखते हुए हम C1 C2 फुटिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें प्लान के हिसाब से 2 पॉइंट दिए जाते हैं जो हम प्लान के हिसाब से मेजर करते हैं।
ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इस हिसाब से हम टेप में कैलकुलेशन करते हैं। प्लान में जो डिस्टेंस दी होती है उसके द्वारा मेजर किया जाता है। यहाँ से हम मेजर करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तीसरा पॉइंट मेजर किया जाता है। तीसरे पॉइंट की हेल्प से हम चौथा पॉइंट मेजर करते हैं। चौथा पॉइंट मेजर करने के बाद हम सेंट्रल लाइन लेआउट निकालते हैं प्लान के हिसाब से देखते हुए, जिसमें फुटिंग दे रखी होगी अपन को F1 F2 उस हिसाब से। इस हिसाब से हम सेंटर लाइन लेआउट करते हैं, जिसमें जहाँ पर क्रॉस आया हो वहाँ पर हम फुटिंग प्लान को देखते हुए फुटिंग तैयार करते हैं। वहाँ से हम एक्सकेवेशन करेंगे, तो इसके लिए हम जो फुटिंग की डेप्थ है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा दी होगी, तो हम एक्सकेवेशन 750 mm लेंगे उसकी एक्सकेवेशन के लिए, और डेप्थ अगर 1.5 होगी तो 300 mm एक्स्ट्रा लेंगे, जिससे हमें शटरिंग करने में आसानी रहेगी। इसके लिए हम चूना मार्किंग करेंगे फर्स्ट में। चूना मार्किंग हो गई, इसके बाद चूना मार्किंग के बाद हम जेसीबी या लेबर के द्वारा एक्सकेवेशन करवा सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अर्जुन तन्ना, आई एम फ्रॉम गुजरात। आई एम फॉर स्टडी फ्रॉम बीट सीडियो कैंपस वडोदरा, एंड मैंने 1 अक्टूबर से सिविल गुरुजी बैच ज्वाइन किया है, और हमने पहले एक्सकेवेशन पार्ट कंप्लीट किया है जो आप लोगों को मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस यानी कि हम पहले हमें साइट मिलता है, मीन प्लॉट मिलता है, तो प्लॉट में हम फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइट क्लीनिंग करवा दें, तो हमारा पहला स्टेज हो गया साइट क्लीनिंग। फिर बाद में हम करवा दें एक्सकेवेशन करवा दें, पहले सेंटर लाइन लेआउट करवा दें, फिर बाद में साइट क्लीनिंग के बाद फिर एक्सकेवेशन पार्ट में हम आते हैं। एक्सकेवेशन यानी कि हमारी जो डेप्थ होगी जो 1.5 मीटर तक होगी, तो हम एक्सकेवेशन दोनों साइड 300 mm ज़्यादा लेंगे। अगर डेप्थ हमारी 1.5 मीटर से ज़्यादा होगी तो हम 750 mm ज़्यादा ले लें। ठीक है, तो हम एक्सकेवेशन पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हो गया हमारा सैंड फिलिंग का पार्ट आएगा। सैंड फिलिंग हम 100 mm यानी कि 4 से 8 इंच 100 mm या 200 mm तक प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद 100 mm का PCC यानी कि 4 से 6 इंच का PCC प्रोवाइड करते हैं। फिर PCC के बाद हमारा आएगा फुटिंग पार्ट। फुटिंग यानी कि हमारे केस में ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है, कहीं केस में कंबाइंड फुटिंग, वो तो साइड के हिसाब से जो भी हमें ड्राइंग में दिया होगा वो फुटिंग हम लेंगे। हमारे केस में ट्रेपेजॉइडल फुटिंग दिया हुआ है, तो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का हमें वॉल्यूम निकालना, तो मीन्स डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, तो इनरेगुलर शेप को हम नॉन में हम डिवाइड कर देंगे, पार्ट कर देंगे। तो इनरेगुलर शेप को हम डिवाइड करेंगे ट्रेपेजॉइडल को, तो एक रेक्टेंगल पार्ट आ जाएगा, फिर बाद में आ जाएगा ट्रेपेजॉइडल पार्ट। ट्रेपेजॉइडल पार्ट का हम सबको पता ही है कि एरिया निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, D/3 ब्रैकेट में A1+A2 √A1.A2 से निकल जाएगा एरिया। फिर वो ट्रेपेजॉइडल पार्ट का फुटिंग निकल जाएगा, फिर वो शटरिंग निकल जाएगा। फिर बाद में आएगा पेडेस्टल कॉलम। पेडेस्टल कॉलम वो NGL तक आएगा, उसका हाइट रहेगा 0.9। फिर पेडेस्टल कॉलम शटरिंग हो जाएगा, फिर हम आ जाएंगे NGL लेवल तक। NGL यानी कि नेचुरल ग्राउंड लेवल। NGL से हमारा प्लिंथ लेवल तक का वो पार्ट रहेगा, वो उसका हाइट रहेगा 0.9 मीटर। तो उसमें हम पहले वन लाइन ब्रिकवर्क करेंगे, वो 100 mm का होगा। फिर ग्राउंड बीम आएगा, फिर यहाँ पर रहेगा DPC, और DPC के ऊपर आएगा बिटुमेन कोट आ जाएगा। DPC हम प्रोवाइड करेंगे जो 100 mm का करेंगे, 50 mm का करेंगे, और बिटुमेन ऊपर कोट आ जाएगा। फिर यहाँ हम आ जाएंगे प्लिंथ लेवल तक। प्लिंथ लेवल से हमारा जो सब स्ट्रक्चर पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, सुपर स्ट्रक्चर पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले हम प्रोवाइड करेंगे 100 mm का ब्रिकवर्क, फिर बाद में ऊपर आ जाएगा DPC 50 mm का, फिर ब्रिकवर्क अप टू सील बैंड बॉटम आ जाएगा, फिर ऊपर सील बैंड आ जाएगा, फिर बाद में ब्रिकवर्क अप टू लिंटल बीम आ जाएगा। लिंटल बीम प्रोवाइड करेंगे हम, तो उसका हाइट रहेगा 2.1। यहाँ लिंटल लेवल आ गए, ऊपर से फिर ब्रिकवर्क आ जाएगा अप टू स्लैब बॉटम, स्लैब लेवल है। फिर स्लैब बॉटम हम स्लैब बीम प्रोवाइड करेंगे, फिर ऊपर स्लैब प्रोवाइड कर देंगे, तो हम यहाँ फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया हमें। फिर ऊपर आएगा तो हम ब्रिकवर्क यानी कि कॉलम, पैरापेट वर्क का कॉलम ले सकते हैं ऊपर, फिर पैरापेट वॉल का ब्रिकवर्क आ जाएगा। फिर अभी बाकी बचा वो स्टेयरकेस का कैलकुलेशन, बाकी बचा स्टेयरकेस में हम पहले कॉलम को ऊपर उठा लेंगे, फिर उसमें जो ब्रिकवर्क आएगा
फिर ऊपर स्लैब का वो बीम आ जाएगा ऊपर, फिर हम स्लैब बिछा देंगे और बाकी का जो ब्रिक वर्क बचा वो आ जाएगा। फिर हमारा पूरा एक बिल्डिंग का यानी कि प्रोसेस जीरो से लेके वो फर्स्ट फ्लोर पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।